नमस्कार, मैं हूँ दीपाली और अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सेना ने मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी न उतारने का किया ऐलान। गिरवाई क्षेत्र में जयपुर पहाड़ी पर पति ने पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। ग्वालियर में हुए संत समागम में खुलेआम संतों को नकदी बांटी गई। बामोर के मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक कैंडल मार्च निकाला गया। अब समाचार विस्तार से। करनी सेना मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी न उतारते हुए सपाक्स के प्रत्याशियों को अपना समर्थन देगी। इसकी घोषणा करनी सेना के संस्थापक कालवी ने की है। अपनी पोते की बहू के साथ में मौजूद है, 89 years old, और टाइम्स नाउ ने उनका इंटरव्यू दिखाया था कि हमारे बुजुर्ग मर मिटे थे, कम से कम मेरे पोते ये तो कहेंगे। एक बार या तो इधर आ जाओ। और ये करने के लिए बहुत स्पष्ट है कि ये क्या करना चाह रही है। मैं जवाब जो आपका था वो यही देना चाह रहा हूँ। और ये जो जवाब था, विधानसभा चुनाव 2018 का शंखनाद हो चुका है, कल अधिसूचना जारी हो जाएगी, 2 तारीख से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। आप कह रहे हैं कि 15 तारीख को भोपाल में आप चिंतन और मंथन करेंगे, तो जी नहीं, चिंतन मंथन तो हमारा चल रहा है। 15 तारीख को हम डिक्लेयर कर देंगे कि हम सपाक्ष का समर्थन कर रहे हैं 74 सीटों पर। 74 सीटें मतलब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीटें हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वो व्यक्ति जो ये कहे कि ये जो बदलाव हो रहे हैं ये गलत है, उसको समर्थन देने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं। आपने सपाक्ष की बात की जी, तो सपाक्ष आपसी गुटबाजी में फंसी हुई है। ये सपाक्ष से मैं आप समर्थन कर रहे हैं, आप भी सपाक्ष के एक अंग है। नहीं बिल्कुल नहीं, गलत समर्थन। देखिए, आंदोलन का हम भागीदार थे, कंधे से कंधा मिलाकर हमने साथ दिया था, और जिस दिन पार्टी बनी उसके नेक्स्ट डे मैंने कह भी दिया था कि भाई पॉलिटिकल पार्टी का हम साथ देंगे कि नहीं देंगे, इसके लिए हमें 4 बार सोचना पड़ेगा। हमने सोच विचार करके तय कर लिया कि ये जो बॉन्ड भरवाया जा रहा है उस शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट से कि मैं इसके पक्ष में हूँ, इसके खिलाफ में हूँ, इसके पक्ष में हूँ, इसके खिलाफ में हूँ, और वो विचार, वो जो बॉन्ड भरवाया जा रहा है, मैं मानता हूँ कि वही आंदोलन का रूप है। तो मैंने कहा वो आंदोलन के रूप का समर्थन करने वाले हर उस आदमी का हम समर्थन कर सकते हैं। आपने एक और डिक्लेयर किया कि सपाक्ष के जो पदाधिकारी हैं वो चुनाव में नहीं आए। करनी सेना के पदाधिकारी चुनाव में नहीं आए। करनी सेना के कोई भी पदाधिकारी? कोई भी। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू हो जाएगी। बाजार में राजनीतिक दलों के प्रचार सामग्री भी बिकने के लिए तैयार है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में विक्रेता से बात। कितना समय हो गया अपनी दुकान लगातार यहाँ 15 साल से कर रहे हैं। वैसे दिल्ली से है हमारे 20-22 साल हो गए मुझे। जैसे क्या लग रहा है कि लगातार, जैसे कि अभी तक चुनाव घोषित हुए थे लेकिन इस समय काफ़ी लेट हो रहा है, तो अपना सामान कब से प्रारंभ हो जा रहा है पार्टी? हमारा काम तो थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका है, अभी कैंडिडेटों के टाइप फाइनल नहीं हुए, फीस नहीं है, जल्द से नॉमिनेशन है, एक दो दिन में चिकन फाइनल हो जाएंगे। कितनी दुकान है ये प्रचार प्रसार की? तो मेरे आइडिया के साथ हनुमान जो 3 दुकान है। 3 दुकान कहाँ कहाँ? इतना तो मुझे आइडिया, एक तो मेरे सामने ही और एक जो पुराने हैं वो लोकल हैं, बोले ज्ञानचंद जी। आप लोग कहाँ से? हम लोग दिल्ली से। साइकिल ट्रैक पर चलने के लिए आई साइकिलें जीपीएस सिस्टम न लगने के कारण अब तक नगर निगम के स्टोर में रखी हैं, जिसे अब जल्द ही ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा। इस संबंध में निगम आयुक्त ने जानकारी दी। रिस्मा सिटी के लिए साइकिलें नीचे रखी हैं, वो कब साइकिलें दौड़ाई जाएंगी? क्या एक्चुअली क्या है कि जो हमारी साइकिलें आ गई हैं इनका जीपीएस अभी बंदरगाह पे रिटेन हो गया है, क्योंकि बिना जीपीएस के ये साइकिलें अभी नहीं चलाई जा रही। एक दो दिन में माल आने वाला है, जैसे ही उनका जीपीएफ इनेबल कर देंगे उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे साइकिल स्टैंड बनना शुरू हो गया है, साइकिल ट्रैक बन गया है, कमियाँ हैं वो दूर हो गई हैं, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में हमारी साइकिल जो है रोड पर।
तो कहाँ ये कहाँ ये चलाई जाएंगे? ये साइकिल ट्रैक, साइकिल ट्रैक ये अभी एक एरिया का साइकिल ट्रैक बनाया है जो सिटी सेंटर गांधी रोड और तेंदुलकर गौरव ऑपरेटर आ गया होगा ना उस मार्ग पर। फूलबाग रोड पर डिवाइडर पर बने अतिक्रमण पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मदखलत प्रभारी सत्यपाल चौहान ने जानकारी दी। लगातार जो फुटपाथ जो डिवाइडर बनाए गए हैं लोगों को पैदल चलने के लिए उस पर लगातार देखा जा रहा है कि अतिक्रमण होता चला जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि नगर निगम को पहले भी इस मामले में अवगत करा चुके हैं लेकिन आज दिनांक तक तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है? क्या है समय थोड़ी ही जो दिक्कत चल रही है, क्या त्यौहार का समय है, कई लोग अपने सामान छोटे मोटे दुकानदार आगे बैठ जाते हैं, मदाखलत निरंतर हटाने की कार्रवाई करती है बाड़े पर, जैसे रोज़ हम हटा रहे हैं और एक घंटे में हटाते हैं तो एक घंटे बाद वापस आते हैं, तो बहुत लंबा छुट्टी का खेल चल गया बाड़े पर। आपने बताया है ये जो हमारी कार्रवाई हो रही है और मैं अभी तत्काल मदाखलत निरंतर को वापस। गिरवाई क्षेत्र में अजयपुर पहाड़ी पर पति ने पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। क्षेत्र में अजयपुर पहाड़ी पर पति ने पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति फरार हो गया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरवाई थाना क्षेत्र की अजयपुर पहाड़ी पर 35 वर्षीय पूनम का शव पुलिस ने उसके घर से गुरुवार की सुबह बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पूनम की शादी 15 साल पहले गोल पहाड़िया निवासी किशन लाल से हुई थी। पूनम के दो बेटे एक बेटी है। बताया गया है पूनम अपने पति किशन लाल से 5 वर्षों से विवाद चल रहा था। पिछले दिनों राजीनामा हो गया था, इसके बाद दोनों साथ ही रहते थे। प्रारंभिक पड़ताल पुलिस का मानना है कि किशन ने साड़ी से गला घोटकर संभात पूनम की हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने मौके से वारदात में इस्तेमाल साड़ी भी बरामद कर ली है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपी किशन लाल के संभावित ठिकानों पर दावीज दे रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी जल्दी हवालात में होगा। किस नाम है राकेश जी? कैसे क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे? सर जी रात को हुआ है काम जो मोड़ी का मारने का और पता नहीं पड़ा, सुबह पता पड़ा हमको। कैसे? सुबह चाय देने गए सर मोड़ी मोड़ा था उनको बच्चों को, तब पता पड़ा किसने और वो मार गया कुछ पढ़ा था घर में से। अच्छा था ही नहीं घर पे। कैसे क्या? और एक दिन इनकी किशन लाल की और किसके बानेज की पार्टी मनी है, दूसरे दिन इन्होंने जो काम किया है मंगलवार को पार्टी मनाई एक दिन का गैप दिया मेरे भाई ने इसने और दोनों जी ने फरार मंगा दोनों। तो भाने भी शामिल था। दीपक नाम है। तो क्या लगता है किस वजह से हत्या की गई है? अब जी नहीं पता सर किस लिए क्या कारण है सर। इसको सही नहीं रखता सर, ये परेशान करता था, मारा पीटी करता था, बार बार पीने खाने से अपनी इसकी बहन के कहने पे और उसके मेरी मतमत आई कहने पर मारता मार पीटी करता था, अपनी मेरी बहन का मंगलसूत्र उतार के उसने अपनी बहन को पहना दिया था मैयू के कहने पे। तो किशन लाल कहाँ रहता था? किशन लाल रहता है गिलबाई रहता है पुलिस सिद्धबाबा मंदिर के पास। यहाँ कब से आ गया था? जब 15 दिन से आ गया रहने के लिए, मोड़ी पहुँचा ही नहीं तो। अच्छा मारपीट करके पहुंचा दी थी। लड़की जही रहने लगी थी 15 महीने से। कौन सी जगह है जी? मुझे बांकुर इंडियम गैस गोदाम है पंचे दवान। क्या नाम आपकी? पूनम नाम है। शादी कितने साल है सर? शादी की पूनम की 15 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं सर उसके। क्या क्या नाम? एक का नाम कंचन नाम है, एक का नाम रवि नाम है, एक का धनराज। कितनी उम्र है? एक की 13 साल है, एक की 10 है और एक की 5 साल का है। तो क्या दोनों फरार है? दोनों की दोनों ये साड़ी से और उठा पुटा का दोबारा मुंह दिया है। पति पत्नी में झगड़ा पूर्व में भी चले हैं, उसी बात को लेके यहाँ करीब 15 दिन से रह रहे हैं ये अपने किशन लाल अपनी पत्नी के मायके में आके, और एक कमरे में रहते थे इसी जगह में उनका पति द्वारा, अभी तक की जांच में पाया जा रहा है पति द्वारा धोती गले में फंदा डाल के और मारपीट कर गला घोंट के मारपीट की है। तो कारण क्या निकल के आ रहा है इसका? कारण पति पत्नी का ही झगड़ा है, घरेलू विवाद। क्या ये पति पकड़ा गया है कि फरार? नहीं, अभी उसकी तलाश जारी है। क्या कार्रवाई की जा रही है? लगातार तलाश उसकी जारी है। कितने लोग शामिल होंगे? अभी तक एक का ही पता चला है। भांजे का भी नाम आ रहा है उसके, भांजे दीपक करके भांजा उसका।
रात की बात अलग होती है, वो अलग घटना है, वो तो तीन दो दिन पहले की बता रहे हैं, उस चीज़ को आप कैसे कह सकते हैं, जांच में है, इसके बाद में खुलासा किया जाएगा। ठीक। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्वालियर आए, इस दौरान एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और राम मंदिर मुद्दे पर भी चर्चा की गई। विभाग मंत्री विष्णु प्रसाद मैं भरत पाठक बजरंग दल का विभाग संयोजक ग्वालियर। आप संघ के राष्ट्रीय जिम्मेदारियों में रहते हुए अभी पूर्व राष्ट्रीय संयोजक भी थे और अभी नई जिम्मेदारी भी है, आज हम सब ग्वालियर पर ग्वालियर के मुख्य मीडिया के सामने उपस्थित है। भाई साहब तुम्हारे कारक है संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक उनको मिलकर हिंदू समाज के प्रतिनिधि राज्यपाल महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि वो राष्ट्रपति महोदय को प्रदेश की जनता उद्देश्य बताएं। सबसे पहले तो आज अपने देश के लिए गौरवशाली क्षण है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, ये देश के लिए गौरवशाली क्षण है, देशवासियों को सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। आज की जो बैठक है वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की समाज में क्या भूमिका है, बजरंग दल के दायित्व के नाते हिंदू समाज के युवाओं को देश के लिए जीने की प्रेरणा कैसे हम दे सकते हैं, सेवा सुरक्षा और संस्कार, इन तीन बिंदुओं को लेकर बजरंग दल काम करता है, उसके लिए कार्य योजना ठीक से बने, उसकी आज बैठक थी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का भव्य निर्माण हो और उसके लिए सरकार केंद्र में कानून बनाए, उसके लिए जो देश भर में 15 नवंबर से जो धर्म सभाएं आयोजित होने वाली है वे धर्म सभाएं अच्छी आयोजित हो, सारा हिंदू समाज उसमें सम्मिलित हो ताकि पूरे देश से सरकार को ये संदेश जाए कि करोड़ों हिंदू समाज राम जी का भव्य मंदिर शीघ्र चाहता है और वो सरकार से अपेक्षा करता है वो कानून बनाए। इसके लिए चार साल निकल गए साहब, बजरंग दल को अब लग रहा है ये मंदिर बनना चाहिए सर। चार साल से बजरंग दल अपनी बात कहते आया है, हर बात हर समय पर हम कहते आए हैं, हमको ये अपेक्षा थी कि सुप्रीम कोर्ट दीपक जी मिश्रा के खंडपीठ के जो निर्णय चल रहा था सुनवाई, हमको विश्वास था कि वो निर्णय हो जाएगा, नहीं हुआ। परसों जो निर्णय आया वो जनवरी फरवरी मार्च पता नहीं कब आएगा, अब हिंदू समाज तारीखों पर तारीखों के लिए अब अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, इसलिए चूंकि अब इस सरकार के पास भी अब समय कम बचा है, इसलिए अभी सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि करोड़ों हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान करे और अगले शीतकालीन सत्र में बिल पेश करे और कानून बनाए। चार साल हो गए, जनता को उम्मीद थी मोदी सरकार से कि मंदिर बनेगा, तो क्या हिंदुओं के संग धोखा नहीं किया है मोदी सरकार ने? ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर इस कार्यकाल में बिल पेश नहीं हुआ तो फिर इस बात पर जरूर विचार। तो आपको नहीं लगता कि जब सरकार नहीं रहती थी भगवा, ठीक है, उसके पहले बजरंग दल के नारे रहा करते थे, आओ दौड़े इस दौड़ में अगला 15 अगस्त लाहौर में, ठीक है, तो नारे वैसे नारे भी बंद हो गए? बिल्कुल नहीं, वैसे नारे बंद नहीं हुए, नारे भी है और काम भी है। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर घुसकर कभी नहीं हुई, अभी लगातार होती जा रही है और इसलिए, और मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की जो हालत है पिछले 70 साल में कभी इतनी खराब नहीं हुई, आप प्रतीक्षा कीजिए, दो साल के अंदर पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान बनेगा, आप जैसे हालात पाकिस्तान के हैं, इसलिए काम चल रहा है उसके साथ। 19 के बाद में राहुल जी आजकल मंदिर घूम रहे हैं, कहीं उनकी तो इच्छा नहीं है कि वो राम मंदिर। ग्वालियर में हुए संत समागम में खुलेआम संतों को नकदी बांटी गई जिसका वीडियो सामने आने लगे हैं, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। युवा कांग्रेस दक्षिण विधानसभा की कार्यकारिणी की घोषणा कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी गई। इस अवसर पर किन्नरों को कांग्रेस की सदस्यता भी दिलाई गई।
कांग्रेस बंद कर रहे हैं हमारे बैंक भाई। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप कृपया यहाँ पीछे आ जाए, लाल भाई आप अपने साथियों के साथ यहाँ आ जाए, ये हमारे लिए आगे बढ़े और समाज के जो प्रमुख हैं राज भाई, उनने उनके साथ में 7-8 जो उनके साथ में लोग हैं सदस्यता ले लिए यहाँ पर, और उनका एक ही संकल्प है कि श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है उसमें वो अपनी भागीदारी निभाएंगे पूरी, और 2018-18 के मिशन को संभाग के तो यूथ कांग्रेस के ज़्यादातर लोग जितने भी लोग जो जुड़े हैं वो एक अलग है, ये एक अपना एक समाज है वो जो जुड़ा है, इतना समाज इतना अभी जो है इनके इनके जो उसमें कपाड़े में जो 7-8 लोग थे वो आगे मेंबरशिप ले रहे हैं, वो ये लोग प्रचार करेंगे पूरे संभाग। बामोर में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनपद सीईओ के नेतृत्व में एक कैंडल मार्च निकाला गया। कभी नहाना, सोच समझ के बटन दबाना, बहकावे में कभी नहाना, सोच समझ के बटन दबाना, लालच देकर वोट जमांगे, भ्रष्टाचार करेगा आगे, लालच देकर वोट जमांगे, भ्रष्टाचार करेगा आगे, लालच देकर वोट जमांगे, भ्रष्टाचार। पूरे नारे बोलिए, सबसे पहले अरे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अरे मैं पकड़ी हुई हमारे से नहीं चलेगी, जाना है।
आप लोग है ना थोड़ा शांत हो जाएं, अपनी जनरसी हूँ मैडम, अपने बीच में उपस्थित हैं। आपको पहले तो मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामना, आप लोगों ने बहुत अच्छा से सहयोग दिया। अब मैडम थोड़ा दो शब्द बोलेंगे, आप लोग अनुशासन से जाएंगे अपने घर, सभी जा सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर की महिलाएं मैडम के साथ जाएंगी, ठीक है? आज जो आप लोगों ने दीप प्रज्वलन करके जाला रैली निकाली है, दीपावली के पर्व पर इतना अच्छा संदेश दिया है चुनाव से संबंधित, सभी लोगों ने इतने समय तक बहुत मेहनत की और नारे लगाए हैं, आपकी मेहनत बहुत सराहनीय है, मैं धन्यवाद करती हूँ, आपको शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आप इसी तरीके से काम करें। और चुनाव के लिए 28 नवंबर 2018 को जो मतदान दिवस है, हम स्वयं भी वोट देने जाएंगे और अपने घर वालों को भी कहेंगे, साथ ही साथ आस पड़ोस वालों को, जैसा आप काम कर रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस बार महिलाओं का प्रतिशत हमें हर बार से अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़वाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। बामोर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुंदर सा स्थान मिल जाए और जहाँ हमारा लाल आपने प्रेमों में जहाँ कोई मुसीबत न आए। नंद बाबा के कुछ मित्र हैं, भाई भी हैं, उन्होंने कहा कि बाबा एक स्थान हमने देखा है, वनम नंदावनम नामम सभ्यम सुंदर एक वन है, नाम है वृंदावन के लिए चलते हैं। वृंदावन के किनारे यमुना मैया बहती है, बड़ा सुंदर रमणीय स्थान है बाबा, वहां कोई दैत्य नहीं आएगा। चलो भाई चलते हैं, आप चलेंगे वृंदावन धाम, थोड़ी देर बाद गिरिराज जी चलेंगे, अभी वृंदावन चलते हैं। कौन कौन चलेंगे वृंदावन धाम? मुख्य समाचार एक बार फिर। अपनी सेना ने मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी नाव तानने का किया ऐलान। गिरवाई क्षेत्र में अजयपुर पहाड़ी पर पति ने पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। ग्वालियर में हुए संत समागम में खुलेआम संतों को नकदी बांटी गई। बामोर के मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक कैंडल मार्च निकाला गया। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें, अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। राहुल बघेल पिता श्री भरत सिंह बघेल, उम्र 21 वर्ष, गंगा विहार कॉलोनी गोलिका मंदिर से 15 अक्टूबर से लापता है। जिस किसी को भी इसके संबंध में पता चले वह हमारे मोबाइल नंबर 6260502095 पर संपर्क करें।